ये है सुरभि नाम है इसका। अब ये सुरभि है, ये एकदम से देखो इसका हम्प देखो, इसके कान देखो विजय भाई, इसके कान देखो नाखों तक आए, लंबे कान है बिल्कुल। हाँ थोड़ी बहुत मस्ती भी करती है, कभी कभी थोड़ा गुस्सा भी कर लेती है, अब ऐसे ही खाती रहती है, ऐसे खाए। अभी मैंने आपके सामने पूड़ा रखा, इन्होंने पूड़ा खाया, पूड़ा खा लिया, और इन्होंने मैंने अब गन्ना रखा, अब गन्ना खा लिया बिल्कुल। तो जो आप खिलाओगे वही तो खाएगी, वही तो खाएगी, और फिर जो खाएगी वही देगी। सभी को नमस्ते जी, आज मैं आया हूँ गाँव बाजितपुर नरेश भाई के पास। नरेश भाई बहुत अच्छे गौपालक हैं, मैं तो रोक लेना चलो जी, भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं नरेश जी भाई गायों के पीछे, और अच्छी करेक्टर की बच्चियाँ तैयार कर रहे हैं, अभी दिखाऊंगा आपने। रब्बारी समाज के पास से, और मोती बागड़ी से, जिसको राजस्थानी भी कहते हैं अपने यहाँ पे। तो उसकी फिर ये जो बच्चिया दिख रही है लक्ष्मी है, वो छोटी बच्चिया वो है सुरभि। हाँ जी नरेश जी नमस्ते। नमस्ते भाई विजय, ठीक हो? हाँ जी बहुत अच्छे। आपका यहाँ गाँव बाजितपुर पधारने पर दिल से हृदय से स्वागत है और धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, गाय आपने देसी गाय कह लो कांकरेज कह लो, ये कब से रखनी शुरू करी? मैंने करीब करीब वैसे तो मैंने जो इसकी दिनांक है वो घर पे एक डायरी बना रखी है, वो मैंने उसमें नोट कर रखा है, लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे याद है करीब करीब मैंने 3 वर्ष से 4 वर्ष लगभग हो गए हैं, 4 वर्ष के आसपास मुझे गाय रखते देसी गाय जो कांकरेज है, और मेरी पहली गाय यही है, मैं 4 वर्ष पहले लगभग ये लेके आता। अच्छा पहले आप शुरू में देसी गाय रखे आते या वैसी? नहीं नहीं मैं पहले विदेशी गाय रखता था जिसमें जर्सी थी या क्रॉस ब्रीड भी रखी, मैंने दोगली गाय भी रखी है वो दूध के टेस्ट के लिए, लेकिन उन सब में मुझे मजा नहीं आया, उनमें कुछ बीमारियां भी ज्यादा थी, और मेरे कई सारे दोस्त देसी गाय रखना ही पसंद कर रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने भी देसी का फैसला किया, और देसी में मैंने फिर कांकरेज का फैसला किया। आगे जो गिर है साहीवाल है वो भी अच्छी नस्ल है, भारतीय नस्ल है, लेकिन वो थोड़ी सी महंगी थी और ये मुझे सस्ती मिली, तो मैंने कांकरेज को चुन लिया। अच्छा कितने की लेकर आए धनरेश भाई? है मैं इसको लिया था 18,000 रुपये की। 18,000 रुपये की, देखो भाई 18,000 रुपये में, और कितना दूध दे दे है ये? जब एक बार पीक पे चढ़ है तो भाई ये दे देती है 12 लीटर तक दूध। अब साहिवाल या गिर गाय अगर हम 12 लीटर की लेंगे तो कम तक कम अंदाजा नरेश भाई कितने की होगी? मैंने पता किया था पहले, मैं करनाल भी गया था, कई और जगह गया था डेरियों में, तो उन लोगों ने जो साहिवाल थी जो 12 से 13 किलो की थी उनके 70 से 80,000 रुपये मांग रहे थे। 70 से 80,000 रुपये मांग रहे थे। तो नरेश भाई का जो खिलाने का उस विषय पर भी एक चर्चा करेंगे। तो नरेश भाई आप सीजन वाइज हरा चारा या जो नॉर्मल चल रहा है आजकल समाज में वो चल रहा है या अपना कुछ विशेष कुछ? हाँ मैं थोड़ा और उसे थोड़ा सा हटके अलग भी डालूँ और जो समाज में है वो भी डालूँ, मैं दोनों ही चीज़ें डालता हूँ। एक तो मेरे पास बिरसम है और उसमें सुपर नेपियर मैंने ये भी बोई है जवार, और सीजन पर मक्का भी खिलाता हूँ हरे में, और जई भी खिला देता हूँ अपने ही खेत से पैदा करते हैं, लेकिन जैसे कि अब सर्दी आ गई है तो अभी अभी आप आए जब आपके सामने ही मैं गन्ना लेके आने लग रहा था, तो मैं अपनी गाय के लिए गन्ना लेता हूँ सर्दियों में, और सर्दी जब जनवरी आ जाएगी तब मैं गाजर भी खिलाता हूँ, तो गाजर और गन्ना में सर्दियों में। और तीसरी चीज है चुकंदर, ये भी मैं गाय को खिलाता हूँ। चुकंदर कौन से महीने में आओगी? अभी आओगी मेरे ख्याल चुकंदर और 15 दिन में आ जाएगा। 15 दिन में आ जाएगा। हाँ तो चुकंदर मैं एक जो भाई वीडियो देखने वाले हैं उनको एक थोड़ा सा सुझाव दूंगा,
अगर चुकंदर की मात्रा ज्यादा ना हो, एक दिन में आधा किलो बहुत है गाय के लिए, क्योंकि उसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। थोड़ी गर्म हो तो गाजर आप खिला सकते हो, कोई भाई पर्सन करे बाद में भाई गाजर कितनी खिलानी चाहिए, तो एक दिन में 15-20 किलो गाजर बहुत है गाय के लिए। एक बड़ी जो पूरी गाय है उसके लिए 15-20 किलो गाजर बहुत है, एक दिन में 10 किलो भी बहुत है, कोई ज्यादा खिलाओ तो 15 किलो खिलाए। अच्छा, गन्ना कितना? और गन्ना भी मैं यही कहूँगा जो गौ पालक भाई है, वह एक दिन में बड़ी गाय के लिए 10 किलो गन्ना काफी है। 10 किलो एक दिन में बहुत है। इसमें ये सारी चीजें एक साथ ना खिलाए, जब गन्ना खिलाते हो तो गन्ना ही खिलाओ, और जब गाजर खिलाते हो तो गाजर ही खिलाओ, तीनों चीजों को एक साथ मिश्रित ना करें भाई, कभी चुकंदर भी गाजर भी गन्ना एक ही दिन में गाय, इससे गाय बीमार भी हो सकती, क्योंकि कोई भी आदमी जब मिठाइयाँ खाता है वो एक दिन में सारी घनी मिठाई खा जाए, पेट बड़ा हो जाएगा तो आदमी भी बीमार हो जाता है, उफारा बन जाएगा, उफारा बन जाएगा, फूड पॉइजन हो जाएगा, पॉइजन हो तो जाएगा। हमने अच्छी चीज तो खिलानी, लेकिन अच्छी का भी एक लेवल रखना चाहिए। ये मेरा कहना, सीमित मात्रा तो होनी चाहिए, तो वो बातें भी लागू है। कोई आदमी सुबह गाजर खवा दे, उसने एक घंटे पीछे गन्ना खवा दे, फिर चुकंदर खवा दे, वो गलत हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। बच्चे कितने दिन की होगी नरेश जी? ये बच्चिया अभी इस 12 तारीख को भाई ये हो जाएगी 3 महीने की पूरी, इसका 12 तारीख का जन्म है। अच्छा, तो 12 तारीख को इसी को ये 3 महीने की हो जाएगी। और अब मैं आपको बीच में एक चीज और कहना चाहूंगा, जो भाई ब्रीडिंग पर काम करे वह 2-3 चीज का ध्यान रखे। अभी जैसे ये बछड़ी है, इसके बाप का फोटो भी मेरे पास नहीं हो, घर पर है, और ये अच्छे बुल की बेटी है, और सबसे जरूरी है कि एक माँ अच्छी हो करेक्टर में, पहले जो आप के सामने है बग्गी, इसके सींगों के बीच में बिल्कुल पोल है, इसके सींगों का मुड़ा हो चंद्राकार आकार, और इसकी कमर पर हम पे भी अच्छी क्वालिटी का है, और इसके कमर में एक झील है जिसको करव बोलते हैं, तो ये सारी चीजें एक अच्छी नस्ल के का संदेश देती है। अच्छी गाय होने के साथ फिर हमें एक अच्छे बुल की आवश्यकता होती है, अगर भाई अच्छा बुल उससे प्रेग्नेंट कराओ, फिर उससे एक अच्छा बच्चा होगा, वो बछड़ा हो बछड़ी हो, जैसे कि हमारी ये है सुरभि नाम है इसका। अब ये सुरभि है, ये एकदम से देखो इसका हम्प देखो, इसके कान देखो विजय भाई, इसके कान देखो, नाखों तक आए, लंबे कान है, ये कान करेज की एक सुपर क्वालिटी है। और ये भविष्य में मुझे पूरी आशा है इससे कि ये बछिया 14-15 लीटर दूध निकालेगी। तो जो इसका बुल है वो कहाँ है? वो हमारे यहाँ से करीब अभी 6 किलोमीटर दूर है। अच्छा, अभी वो वैसे तो घुमक्कड़ है ये जाती। अच्छा, लेकिन तो डेरे में है अभी, डेरे में हो, डेरे अच्छा, में है। अच्छा, हीरा बागड़ी का डेरा है, उसमें उमरा का बुल हो, उमरा का। तो फिर जब यह गाय इटमा में है तो इस नाप डेरे में छोड़ दो हो या बुल लिया हो, क्या क्या व्यवस्था है? हाँ, उसकी व्यवस्था ये है कि मैं इसको अब की बार टेम्पू में लेकर गया था। अच्छा, उस डेरे में, क्योंकि 5-6 किलोमीटर वो डेरा हमारे यहाँ से, तो मैं उसको इसमें टेम्पू में ले गया। और जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा, भाई आपने नस्ल पर काम करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर आपने हो सके 20-30 किलोमीटर भी अपनी गाय को ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गांव में नंदी की व्यवस्था बिगड़ चुकी है, बिगड़ गई। अब हमारे पास नंदी तो है नहीं किसी भी गांव में, हमारे बुजुर्ग नंदी रखते थे, बहुत अच्छी गाय का बछड़ा लेके आते थे, उसका संवर्धन करते थे, पूरा गांव मिलकर उसको चने बिनोड़े अच्छी गवार बाजरा खिलाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो अब हमें जो AI है उससे भी हमें प्रेग्नेंट करा लेते हैं, लेकिन मैं उससे ज्यादा संतुष्ट नहीं हूँ। अभी ये बछड़ी है, इसका बाप मैं आपको फिर बाद में फोटो वीडियो कुछ दिखा दूंगा, एक नंबर का सुपर बुल है, छोटा मुंह है, ब्लैक कलर का है, उसकी हाइट, उसका सब कुछ अच्छा है। अरे इस बछड़ी का भी बाप वहां गुजरात से ले आए थे, वह अहमदाबाद से काना बागड़ी के पास उसका बुल था, तो उसका नाम था झालरिया। झालरिया, ये झालरिया की बेटी है। अच्छा, बुल का नाम था झालरिया। झालरिया बुल का नाम था, जो के कांकरेज के जो टॉप ब्रीडर है जयराम देसाई अहमदाबाद से, तो काना ने मुझे बताया था। अगर जयराम देसाई से लाए थे हम, तो एक मारा आर्य समाज में एक मंत्र बोला करे परमात्मा के प्रति, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, हे परमात्मा हे ईश्वर सब सुखी हो। तो मैं इस बात को बताने का मतलब ये जानना कहना चाहता हूँ भाइयों, अके मैं सबका भला चाहता हूँ, हम हमारे गौ पालक भाइयों का सबका भला हो। तो ये 2.5 वर्ष जो बच्चिया होगी तभी भी मैंने प्रेग्नेंट नहीं कराई, और आप देख सकते हो ये अपनी माँ से कोई ज्यादा नीची नहीं है, एकदम से कोई भी भाई इसको तुरंत कहेगा इसको तो ज्ञापन कराओ, लेकिन मैं अभी भी इसको 3 वर्ष की ज्ञापन कराऊंगा। इसके लाभ होंगे, कोई भी भाई जल्दबाजी में 18 महीने की 20 महीने की 22 महीने की क्या बनना कराओ देसी गाय को, अगर ब्रीडिंग पर काम करना चाहे तो। ये बात हाइट इसी माँ के लेवल में आ चुकी है, तो मैं रबारी समाज के भाइयों से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, मैंने बहुत ज्यादा जानकारी ली इस गाय को लेने के बाद।
बग्गी गाय को खरीदने के बाद मैंने उनसे बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी जुटाई है कांकरेज गाय के बारे में। तो मैं कांकरेज के जो गोपालक है या जो हरियाणा नस्ल पे भी काम करते हैं या साहीवाल पे जो गिर पे काम करे जो देसी पे काम करते हैं भाई थार पार करवाले उन सभी के लिए एक बात कहूंगा, देखो इसकी हाइट देखो भाई मैं हाथ खा रहा हूँ उस गाय से इसकी तुलना करो और मैंने अभी भी इसको प्रेग्नेंट नहीं करा। हाँ इसका मुख्य कारण ये है कि जब हमें कई बार जल्दबाजी में थोड़ी सी हम प्रेग्नेंट करा देते हैं गाय को बच्चिया को मतलब गाय तो बड़ी हो जाती है तो उससे कई नुकसान है। अरे हर व्यक्ति जो गौ पालन करना चाहता है या करता है वो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कहो या ना कहो वो लाभ के लिए करता है, उसमें एक लालच छुपा हुआ होता है कि भाई हमें अच्छा दूध मिले उसके बच्चा बछड़ी बछड़ा जो भी हो वो अच्छा मिले। तो वो कब पूरा होगा हमारा वो लालच हमारा तभी पूरा हो सकता है अगर जब हमारी बच्चिया फर्स्ट बार में अच्छा दूध दे और अच्छा दूध वो कब देगी जो शरीर से तंदुरुस्त हो और तंदुरुस्त कब होगी जब उसको एक समय मिलेगा, जब उसको समय नहीं मिलेगा तो तंदुरुस्त हो नहीं सकती वो लंबी तगड़ी नहीं होगी और लंबी तगड़ी नहीं होगी तो दूध भी लंबा तगड़ा नहीं देगी। लंबे तगड़े का मतलब है लंबे टाइम तक लंबे और ज्यादा दूध वो तभी देगी जब वो स्वयं लंबी तगड़ी होगी तो दूध भी उसका लंबा तगड़ा बढ़ेगा मतलब शरीर की पूरी ग्रोथ होगी अपनी जो आप ब्रीडिंग पर काम करना चाहो तो उसकी जो एज है वो 2.5 वर्ष से प्लस होनी चाहिए और उसका दूध भी अच्छा पिलाओ तो फिर जब वो ब्याएगी तो उनके लेवटे भी बड़े बढ़ेंगे वो दूध भी अच्छा निकालेगी और वो लंबे टाइम तक दूध देगी। नरेश जी फिर ये जो आप पूल आर जो करना लाए हो इसके विषय में क्या जानकारी देना चाह रहे हो? हाँ मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ विजय भाई, देखो गाय है गाय तो हम जो खिलाएंगे वो ही खा लेगी, अभी आपके सामने ये खाना शुरू कर दिया बिल्कुल तो इसका क्या इसकी क्या गलती है? हाँ। हम जो डालेंगे वही खाएगी। हाँ। अब ये देखो ये मैंने इसके सामने कर दिया तो ये खाना शुरू कर दिया और अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो आपके सामने ही मैंने काटा है गन्ना लिया के दरियापुर से अभी लिया था मैं, अभी मैं इसके आगे गन्ना डालूंगा तो ये गन्ना खाएगी अभी इसको दिखाने का मेरा उद्देश्य है सभी गौ पालक भाइयों को आजकल हमारे समाज में शायद 90% लोग अब ये खिलाने लगे हैं डेयरियों में खासकर पूड़ा खिलाने लगे हैं जबकि इस पूड़े में कोई भी गुण नहीं है मतलब कोई प्रोटीन नहीं है कुछ नहीं है कोई ताकत नहीं है और जो अपना गन्ना है इसमें बहुत सारे प्रोटीन है ग्लूकोस है कैल्शियम है रस है विटामिन्स है जो गाय ये खाएगी उसकी दूध की शक्ति या उसकी गुणवत्ता या ज्यादा होना वो कैसे होगा और जो गाय गन्ना खाएगी वो स्वाभाविक है उसमें लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है अगर भाई वो ज्यादा दूध देगी क्योंकि इसमें जो जूस निकलेगा गन्ने का तो रस बनने से गाय के अंदर जो दूध की मात्रा वो अपने आप से बढ़ेगी। अगर बाई चांस मान लो आप 1% थोड़ा भी बढ़ेगी पर गुण तो जरूर बढ़ेंगे 100% मैं अपनी 100% बढ़ेंगे। अब मैं अपनी गाय को खिलाता हूँ और अपनी गाय को खिलाता हूँ तो इससे दूध भी लंबा देती है और इसका दूध अपने आप स्वयं मीठा है कोई इसमें शक्कर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती तो वैसे भी मीठा हो हर गन्ना खा रही है तो गन्ना खाने से और मीठा हो जाता है स्वाद आ जाए। तो मैं सभी भाइयों को वीडियो देखने वालों को यही संदेश दूंगा भाई अगर आपके पास गन्ना उपलब्ध हो तो जरूर खिलाओ गन्ना सर्दियों में। अगर बाई चांस किसी भाई के पास सूखे प्रदेश में गन्ना ना हो उपलब्ध तो कम से कम पूड़ा तो ना खिलाए धान ना खिलाओ क्योंकि इसमें कई सारी बात है भाई मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें 6-7 तो दवाइयों के स्प्रे करते हैं लोग पानी में छड़े है और इसको एक आखिरी समय में ऐसा वो मारा जाता है स्प्रे जो बहुत ही जहरीला होता है। मेरी गाय ये खा रही है लेकिन मैं इससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ सिर्फ आपको वीडियो में दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। गाय के आगे जो रखे वो खा लेगी इसलिए आप लोग ये मत कहो कि भाई पूरा खाती है खाए तो की है वो अगर आप गलत चीज उसके सामने रखोगे। हम शादियों में जाते हैं एक उदाहरण दूंगा तो शादियों में बहुत सारी चीजें बहुत गलत होती है और हमारे सामने परोसी जाती है तो हम खा ही लेते हैं फिर हमें फूड पॉइजन हो जाता है अगले दिन डॉक्टर का एडमिट हो जाते हैं हम तो वो तो हम भी खा लेते हैं भाई ये तो गाय है तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है हम गाय को क्या बाट बाखर में क्या मिला उन्हें जी बाट बाखर में देखो मैं तो दो प्रकार से चीजें खिलाता हूँ एक तो दलिया भी रांधता हूँ मैं और दलिया में मैं चना गेहूं सरसों और मक्का बाजरा सर्दियों में और गर्मियों में उसमें जौ का परिवर्तन कर देता हूँ मौसम के हिसाब से और मुझे थोड़ी सी एक जगह है कहीं बहुत दूर वहाँ से कुछ खड़ मिल जाती है जैसे बादाम की है अखरोट की है नारियल की है गोला जिसको बोलते हैं तो मैं वो भी लेता हूँ और थोड़ा सा चने का छिलका मिला के दोनों को मिक्स करके वो अपना चाटे बाटे में वही खिलाता हूँ। अच्छा जो दोपहरी में जो भाई अपनी गाय को चाटा बाटा खिलाते हैं हरा चारा खिलाते हैं उसकी जगह गन्ना खिला देता हूँ मैं जो आपके सामने अभी खिलाऊंगा तो गन्ना खिला देता हूँ तो उससे दोपहर का जो मेरा चाटा बाटा है उसके पैसे बच जाते हैं और उसके बदले में मेरी गाय अलग प्रकार का एक प्रोटीन एक
नेचुरल प्रकृति द्वारा गन्ना जो खाती है तो वो खुश भी होती है, और चाटे बाटे के पैसे से सस्ता पड़ता मुझे गन्ना, क्योंकि 400 रुपए में से एक क्विंटल आया जिसमें 100 किलो होता है, और मैं खिलाता हूँ 10 किलो, तो 10 किलो तो कै रुपए का हो गया, आप सोच सकते हो, तो 10 किलो गन्ने में 40 रुपए का हो गया, 40 रुपए का हो गया, और कोई भी आज कोई भी आप बाट पाखर लोगे तो वो एक किलो 40 रुपए से कम का है ही नहीं, और एक किलो बाट में कोई भी भाई दोपहर का गाय का भोजन नहीं करा सकता, मेरी अपनी विचारधारा, आजकल के टाइम में नहीं करा सकता, तो इसलिए गन्ना तो उस चाटे बाटे से सस्ता पड़ता है और दूध ज्यादा देगी और स्वस्थ रहेगी और खुश रहेगी। दूसरी बात, जैसे हम सब एक उदाहरण दूंगा, शादियों में भोजन करते हैं, उसके बाद हम फिर हमें फ्रूट सलाद खा लेते हैं तो हमारा मन बड़ा खुश होता है, तो ये गन्ना गाय के लिए एक फ्रूट सलाद है, फ्रूट सलाद है, बिल्कुल ठीक बात। गन्ना हमने काट लिया था गंडासे में, तो अभी गाय के आगे रखेंगे, आप देखो कितने चाव से और खुश होकर खाएगी ये। ए बग्गी, चलो आजे आजा आजे। अच्छा इसमें मिला दिया है, हाँ जी हाँ, अब उड़े दे लो। ये क्या चीज है? इसमें बरसम और गन्ना। अच्छा, बरसम और गन्ना दोनों है, मिला के डाल दिया। हाँ, हाँ। अभी देखो अभी अपने चाव से खाएगी। हाँ। ये रख दिया दोनों माँ बेटी, अब इसको देखो आप, इससे मैं एडजस्ट कर लेंगे, सींग नहीं अड़ेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत मस्ती भी करती है। हाँ। कभी कभी थोड़ा गुस्सा भी कर लेती है। हाँ। अब ऐसे ही खाती रहती है, ऐसे ही खाए जाएंगे। अब ये मैं अपने भाइयों को, जो गौ पालक मित्र है जो हमारे, मैं उनको एक विजय भाई एक बात बताना चाहूंगा। देखो अभी मैंने आपके सामने पूड़ा रखा, इन्होंने पूड़ा खाया, पूड़ा खा लिया, और इन्होंने मैंने अब गन्ना रखा, अब गन्ना खा लिया, बिल्कुल, तो जो आप खिलाओगे वही तो खाएगी, वही तो खाएगी, और फिर जो खाएगी वही देगी। बस ये तो भाई हमारे जो बुजुर्ग थे, अनपढ़ थे, लेकिन उन लोगों को पता था। वो गन्ने का गोड़ा खिलाते थे, गन्ना खिलाते थे, गवार खिलाते थे, चने खिलाते थे, मौसमी जो भी चीज आवा थी वो खिलाते थे, सारी चीज खिलाए। बिल्कुल सत्य है। अब जो ये पूड़ा है, जो धान बोलते हैं, जिसको जीरी भी बोलते हैं किसी किसी प्रदेशों में, तो इसमें इतने केमिकल है, इतना DAP यूरिया, इसमें करीब 6-7-8 कट्टे तो खाद लगा दिया जाता है, नीचे जमीन से लेकर ऊपर 7-8 स्प्रे, कंप्लीट जहर। और इस जहर को जब गाय खाएगी तो उसके 3-4 नुकसान है विजय भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा। अपने गौ पालक भाई ध्यान से सुनो, एक पहला नुकसान तो यही है कि जो आजकल गाय में प्रेग्नेंट सिस्टम बिगड़ गया है, जो कंसीव नहीं कर पा रही है, सांडों से कराने के बावजूद भी वो खाली रह जाती है, उसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं है जो हमारा इनका खिलाना पिलाना है। मेरी गाय आज तक भगवान की दया से जब भी प्रेग्नेंट कराता हूँ एक बार में कंसीव होती है। और सबसे इसका मुख्य कारण ये भी है क्योंकि बुल से भी वो है। मैंने जब आपको बताया AI से एक बार कराई तो एक ही स्ट्रा से रुकी थी। अच्छा, उसमें भी? हाँ, एक ही स्ट्रा से रुकी थी। तो हम अगर अच्छा फीड खिलाएंगे तो उससे इसका जो प्रेग्नेंट सिस्टम अंदर की कोशिकाएं वो बहुत स्ट्रोंग होगी और हमें दूध ज्यादा और स्वादिष्ट मिलेगा। तो गायों में अगर मौसमी चीज सारी, जैसे नरेश जी गन्ना खिला रहे, चुकंदर खिलाऊंगे, फिर गाजर खिलाऊंगे, तो गाय ने जो चरण में प्रोटीन मिल रहा करते वे सारे प्रोटीन नरेश जी खाने के थ्रू भी दे रहे हैं। अभी मेरी गाय की जो एज है, मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, इसकी एज करीब करीब मेरे ख्याल में 14 साल के आसपास होली है, 13-14 वर्ष इसकी आयु है। ये 8 बार बच्चा दे चुकी है। अच्छा। बीच में कई बार गैप रहा बच्चों में, जो बागड़ियों ने बताया था मुझे अब भाई इसने कुछ कारण क्या रहे थे, और इसकी एज करीब 13-14 वर्ष है, और 13-14 वर्ष में आप इसकी साइनिंग देख सकते हो। हाँ, अभी मतलब बुजुर्ग नहीं लग रही है। इसके कंप्लीट दांत है। हाँ। इसके दांत में देखता हूँ मैं, इसे तो नहीं दिखा पाऊंगा। हाँ, हाँ। लेकिन इसके पूरे दांत है, कंप्लीट। तो इसकी जो अगर हम प्रोटीनदायक चीजें खिलाएंगे तो वो उसकी आयु बढ़ेगी। शास्त्र में गाय की आयु 25 वर्ष है जी। जो कि हमारे यहाँ अब 12-10 वर्ष में गाय समाप्त हो जाती है। ठीक अभी ये लंबी चलेगी ईश्वर की कृपा से। नरेश भाई इनकी अच्छे से सेवा कर रहे हैं। आने वाले समय में आप लोगों को और एक आध वीडियो दिखाते रहेंगे और नरेश भाई से मिलते रहेंगे। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को भाई लाइक करो, शेयर करो, और चैनल ने भाई सब्सक्राइब भी कर दो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।